हमारे यहाँ पे आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है, हम ये देख रहे थे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। अभी हम पूरी क्लास खत्म करेंगे और ये बेसिक इलेक्ट्रिकल आज लास्ट क्लास है, तो जितनी भी क्लास लेनी है सब अच्छे से देख लेना, बार बार नोटबुक बेटा अच्छे से देख लेना, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम आवृत्ति समझ लेते हैं, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, और आवृत्ति की इकाई क्या होती है, हमारी हर्ट्ज। आवृत्ति की इकाई क्या होती है, हर्ट्ज। ये आती है बार बार, तुमको लग रहा होगा बहुत सिंपल सा, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और यही क्वेश्चन आते हैं स्टैंडर्ड, जो बड़ी हमारी गवर्नमेंट जो कंपनियां हैं जो जॉब को देंगी उनमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जिसको पता है तो ठीक है, जिनको नहीं पता मतलब नहीं पता। तो आवृत्ति क्या होती है, उसकी इकाई क्या होती है, ये पूछ लेते हैं। आवर्तकाल क्या होता है और उसकी इकाई क्या होती है। आवर्तकाल क्या होता है, समय होता है, टाइम पीरियड होता है। समय की इकाई हमेशा क्या रहती है, सेकंड, याद रखना क्या रहती है, सेकंड। तो आवर्तकाल की इकाई होती है हमारी सेकंड, याद रखना आवर्तकाल की इकाई होती है हमारी सेकंड। नोट करते जाना, चीजों को नोट करना सीखो, जब लिखोगे तो नोट्स बनाते जाए करो, लिख लिया करो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीजें, जैसे बता रहा मैंने आवर्तकाल होता है उसकी डेफिनेशन लिखो, उसकी इकाई लिखो और रिप्रेजेंट करते हैं उसमें टी से लिखो, ठीक है। आवृत्ति लिखो, आवृत्ति की इकाई लिखो, आवृत्ति की इकाई क्या होती है, आवृत्ति किसे बोलते हैं, और आवृत्ति को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ठीक है, वो लिखो। तो यहाँ पे हम आप समझ रहे हैं हमारा तीसरा पॉइंट ये कि आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध क्या है। यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, या फिर आता है हमारा एक न्यूमेरिक क्वेश्चन आता है, संख्यात्मक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, या तो फ्रीक्वेंसी दे देंगे और बोलेंगे टाइम निकालो, टाइम पीरियड निकालो, या टाइम पीरियड दे देंगे तो फ्रीक्वेंसी निकालो। तो ये फार्मूला है हमारा f बराबर 1/T, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं t को इस तरफ लेके आएंगे तो 1/f। इसको लिखते हैं, समय होता है फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है या विलोमानुपाती होता है, क्या होता है, विलोमानुपाती होता है। फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल क्या होते हैं, विलोमानुपाती होते हैं, अगर एक को बढ़ा देंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। जबकि टर्म्स ऐसे में आ जाए एक के बटे में कुछ लिखा उस तरीके से, तो ये क्यों उल्टा संबंध होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा, इसको बोलते हैं विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती भी बोलते हैं। अगर हम क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो टाइम कटिंग क्या हो जाएगा हमारा, घट जाएगा, ये बोल रहा है। तो ये फार्मूला भी सही है, ये फार्मूला भी सही है, तो दोनों फार्मूले तुमको क्या करने चाहिए, कर लेना है, पक्षांतर के देख लेना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं कि ऊपर वाला घट लिया, क्योंकि बुक्स में ये वाला नहीं है, बुक वाला में ये वाला दिया, तो ये वाला हमको पता होना चाहिए कि ऐसा भी बन सकता है, क्योंकि पक्षांतर कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले हमारे किसका, फ्रीक्वेंसी में और किसका संबंध, हमारा आवर्तकाल को समझता क्वेश्चन। यहाँ पे वो संख्यात्मक क्वेश्चन सब कर लेते हैं कि हमारे भारत में आवर्तकाल, भारत में एसी का आवर्तकाल कितना होता है, एसी का आवर्तकाल कितना है, ठीक है, ये हमारा भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो कितना है भारत में एसी का आवर्तकाल, 50-60 सॉरी फ्रीक्वेंसी सर, वो तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। आवर्तकाल क्या होगा, 0.0 0.0 सेकंड में रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा सेकंड में, क्योंकि आवर्तकाल की इकाई क्या है, ठीक है, सेकंड। अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो हमें क्या करना, हर्ट्ज में बनना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या रहेगा, टाइम पीरियड निकालना, तो ये टी बराबर 1/T क्या रहेगा, f। t बराबर अपना वैसा का वैसा 1/1 और f का वैल्यू रख देंगे हम कितना, 50 से इसको काटेंगे तो 0.02 सेकंड लग जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ये भारत में क्या है हमारा आवर्तकाल है, और बाकी जो आवृत्ति देंगे उसके हिसाब से तुम यहाँ पे निकाल लो, ठीक है। लेकिन जब भारत की पूछेगा तो ना वो आवृत्ति देगा ना वो आवर्तकाल देगा, तो तुमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, तुमको पता होनी चाहिए कि भारत में कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे हमारा साइकिल खत्म हो गया, आवृत्ति समय खत्म हो गई, आवर्तकाल खत्म हो गया। अब आते हैं आगे, हमारे और चीजें हैं इसमें, तो जो एसी टर्म्स में है उनमें हमारा आर एनएस वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है, बी फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर होता है। तो इनको समझ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते जाता है और
सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो यहीं पर होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या देखते हैं, वो मैं बता देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो तुमको याद है कि वैल्यू याद रखो रहनी चाहिए। कौन कौन सी चीजों की वैल्यू याद रखनी चाहिए, आवर्त काल और नंबर, एक चीज हमें पता होनी चाहिए आर एंड एस वैल्यू, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पर देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये तुमको पता होनी चाहिए। अगर ये वाली यूनिट तुम्हारी कंप्लीट है, देखो एसी डीसी सिंपल सा बन जाता है सबसे, इन चार वैल्यूज में लोग क्या होते हैं कंफ्यूज होते हैं, और जहां लोग कंफ्यूज होंगे और तुम नंबर ज्यादा लेके आओगे वहां पे तुम मेरिट में आओगे, ठीक है। जो किसी को नहीं बनेगा वो तुमको बनेगा, तो तुम्हारे मेरिट में आने की क्या हो जाती है, संभावना बढ़ जाती है। तो हमें वो चीजें जरूर करनी जो आती है और थोड़ी सी क्या होती है टफ है। तो हमारी सबसे पहली चीज है आर एम एस वैल्यू, क्या है हमारी आर एम एस वैल्यू। दूसरा हमारा है एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। तीसरी है हमारी, तीसरी हमारी है फॉर फैक्टर, फॉर फैक्टर। और चौथा हमारा जो टर्म्स है वो है हमारा पीक फैक्टर, पीक फैक्टर या इसको बोलते हैं क्रश फैक्टर, क्रश फैक्टर, ठीक है। ये टर्म्स है हमारी चार, चार टर्म्स है एसी की जो तुमको पता होनी चाहिए। आर एम एस वैल्यू पता होनी चाहिए, एवरेज वैल्यू पता होनी चाहिए, और फैक्टर पता होनी चाहिए, और हमें क्या पता होनी चाहिए पीक फैक्टर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है वो आता है हमारा आर एम एस वैल्यू का, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा जो मल्टीमीटर होता है ना वो आर एम एस वैल्यू को क्या करता है, रीड करता है और उसके मान को बताता है। तो हमें आर एम एस वैल्यू निकालना क्या है आनी चाहिए। आर एम एस का सबसे पहले पूरा नाम पूछेगा, तो आर एम एस का पूरा नाम होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल, ये बोलते हैं वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य मूल होता है, और इंग्लिश में बोलते हैं आर एम एस मूल। तो आर एम एस का पूरा नाम पूछेगा सबसे पहले कि आर एम एस मीन्स क्या होता है, तो रूट मीन स्क्वायर होता है। अगर हम समझे कि वैल्यू होती क्या है, तो आर एम एस जो वैल्यू है इसकी डेफिनेशन पे मत जाओ, डेफिनेशन में बता भी दूंगा इसका जो मान है वही आपके पूछा जाता है एग्जाम में, इसकी डेफिनेशन कहीं पे भी आज तक पूछी नहीं है। तो डेफिनेशन में जाके हमको इसको मान पता होना चाहिए कि इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 0.707 IM या फिर होता है 0.707 VM। यहाँ पे IM मतलब है अधिकतम करंट, अधिकतम करंट, और VM मतलब है अधिकतम वोल्टेज, अधिकतम वोल्टेज। अगर हमें कोई करंट की RMS वैल्यू पूछेगा तो 0.707 में जो अधिकतम करंट है उसको क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे, तो हमारी कौन सी चीज माना जाएगा करंट का IRMS माना जाएगा, क्या जाएगा IRMS, मतलब करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमें आ जाएगी। और अगर कोई बोलेगा कि हमारा VRMS बताओ, VRMS तो तुम्हें कुछ नहीं करना, VR को 0.707 से किसका गुणा कर देना है, VM का गुणा कर देना है, ठीक है। यह एसी की वह मान होता है, यह एसी का वह मान होता है जो उतनी ऊर्जा उत्पन्न करता है जितनी की उतने समय अगर हम डीसी प्रवाहित करें तो वो क्या करती है, उत्पन्न करती है, तो वो क्या कहलाती है हमारे रूट मीन स्क्वायर कहलाती है। तो डेफिनेशन कितना जानना चाहिए हमें, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए। वैल्यू क्या है हमारी 0.707 है, या तो अधिकतम करंट का गुणा करेगी या अधिकतम वोल्टेज का गुणा करेगी। तो दो वैल्यू होती है IRMS होती है और VRMS क्या होती है हमारी वैल्यू होती है। तो ये हो गया हमारा रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू हो गई। यहाँ तक क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, सीधा पूछ लेंगे हमारा RMS वैल्यू पूछ लेंगे कि RMS वैल्यू का फॉर्मूला बताओ, या फिर पूछ लेंगे कि एक सर्किट है जिसमें अधिकतम करंट का मान, एक सर्किट है जिसमें अधिकतम करंट
क्वेश्चन आ जाएगा हमारा एक सर्किट जिसमें अधिकतम 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, उसकी आई आर एम एस वैल्यू क्या होगी, उसकी आई आर एम एस वैल्यू कितनी होगी। ये हमारा यहाँ से संख्यात्मक क्वेश्चन सॉल्व आएगा, आई आर एस वैल्यू आया तो हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना है आई आर एस पूछा तो हमें आई आर एस का पर मान बता दीजिए, आई आर एस बराबर क्या होता है 0.707 आई एम, तो यहाँ पे हम लेंगे 0707 और करंट निकालना है किसका गुणा करेंगे आई एम का करेंगे, तो 0.707 तो ये फिक्स वैल्यू है इनटू आई एम मतलब अधिकतम करंट कितनी है, तो अधिकतम करंट है यहाँ पे हमारी कितनी 0.70 अगर 10 होगा तो हम कितने का गुणा कर देंगे 10 का, मतलब जितना भी हमें मैक्सिमम करंट दिया उसको क्या कर देंगे हम इंटू कर देंगे, ठीक है, अगर वोल्टेज पूछो तो वोल्टेज कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी आई आर एम हमारी आर एम एस वैल्यू खत्म होगी रूट मीन स्क्वायर। अब दूसरी चीज आती है हमारी इसके बाद, ये हमारा इसके बाद आती है हमारा एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू का फार्मूला भी याद रखना, सिर्फ वैल्यू याद करो, ठीक है, एवरेज वैल्यू निकाल कर उनका जो मान होता है वो होता है 0.63 कितना होता है 0.6 एवरेज वैल्यू वगैरह पूछा जाएगा कि एवरेज वैल्यू कितनी होती है, एवरेज वैल्यू का मान कितना होता है 0.637 ये हमारी क्या होती है एसी की एवरेज वैल्यू होती है। अब आता है हमारा फॉर्म फैक्टर, क्या आता है हमारा फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो हमारा फॉर्म फैक्टर होता है फॉर्म फैक्टर, जो हमारा फॉर्म फैक्टर होता है उसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो मैक्सिमम जो करंट है अधिकतम करंट में आई आर एम एस का क्या कर देंगे भाग कर देंगे, क्या करेंगे फॉर्म फैक्टर निकालने के लिए जो मैक्सिमम करंट है और जो करंट की आर एम एस वैल्यू है उससे उसको मैक्सिमम करंट को डिवाइड कर देंगे, तो याद रखना आई आर एम एस होती है हमारी आई आर एम एस, इसका एक फार्मूला और होता है आई एम अपॉन अंडर रूट टू, ये भी याद रखना है आई आर एम एस वैल्यू की, ये फार्मूला भी हमें क्या करना है याद रखना है, आई आर एम एस बराबर क्या होता है आई एम बटे अंडर रूट टू, या इस सूत्र में लिख देते हैं हम क्या 0.707 आई एम, ठीक है, दोनों एक ही फार्मूला या तो इस तरीके से लिखते हैं या उस तरीके से लिखते हैं, अगर ऐसे आ गया आई एम अंडर रूट टू तो ये नहीं कि हमें 0.707 ही, उसको हम क्या लिख सकते हैं आई एम अपॉन अंडर रूट टू भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हमारा फॉर्म फैक्टर निकालना, फॉर्म फैक्टर का फार्मूला होता है आई एम बटे आई आर एम एस वैल्यू, हम क्या करेंगे जो हमारा आई एम है वो तो हमारा आई एम ये वहाँ पर आ जाएगा, आई आर एम एस का मतलब कितना होता है आई एम बटे अंडर रूट टू, ये अंडर रूट टू ऊपर चल जाएगा आई एम से आई एम क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारा जो फॉर्म फैक्टर है वो आ जाएगा आर फैक्टर आ जाएगा आर फैक्टर, सॉरी यहाँ पे ना ये जो आर फैक्टर है ये पी फैक्टर है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेना है, ये क्या है हमारा पी फैक्टर है, ये किसका मान है हमारा, सॉरी ये हमारा पी फैक्टर है, इसे निकालते हैं यहाँ हमारा आर फैक्टर है, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो गया था तो इसको क्या कर लेना पी फैक्टर कर लेना, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, पी फैक्टर कर लेना, पी फैक्टर की वैल्यू होती है आई एम बटे आई आर एम एस, क्योंकि अंडर रूट टू आता है इसमें कितना आएगा ओनली अंडर रूट टू, या इसकी वैल्यू होती है 1.414, ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है हमारी पी फैक्टर की वैल्यू है, ये हमारी कौन सी फैक्टर की वैल्यू पी फैक्टर की वैल्यू है, ठीक है, फॉर्म फैक्टर में आगे बढ़ते रहते हो तो पी फैक्टर अगर हमको निकालना है तो क्या होगा आई एम बटे आई आर एम एस वैल्यू रहती है, आई एम का आई एम रखेंगे आई आर एम की वैल्यू करेंगे आई एम अंडर रूट टू, आई एम से आई एम क्या होगा
कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ऊपर चल जाएगा, अंडर रूट टू या इसका मान 1.1 1.414 होता है आपको पता। तो ये क्या कहता है हमारा पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर, पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर यहाँ पे हमने पढ़ लिया। ये हमारा फार फैक्टर रहेगा। तो फार फैक्टर को समझ लो, फार फैक्टर क्या होता है, फार फैक्टर यहाँ मैं बता देता हूँ, फार फैक्टर ठीक है। तो फार फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज, मतलब जो करंट की आरएमएस वैल्यू है उसमें हम एवरेज वैल्यू का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो आई आरएमएस वैल्यू हमें पता है 0.707 होती है ठीक है, और एवरेज वैल्यू हमारी कितनी होती है, एवरेज वैल्यू होती है हमारी 0.637 होती है। तो ये आया हमारा 1.11 कितना आया, 1.11 आया। तो ये हमारा फॉर्म फैक्टर हो गया, फार फैक्टर हो गया हमारा 1.11, पीक फैक्टर हमारा हो गया 1.41। देखो पीक फैक्टर को ऐसे याद रखना, पीक मतलब होता है अधिकतम या शिखर मान, तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसी की रहती है। अगर कूलिंग का वैल्यू अगर तुम देखोगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी हमारे पीक फैक्टर की है 1.1 1.414 पीक फैक्टर की वैल्यू क्या सबसे अधिक है। फिर उसके बाद हमारी किसकी वैल्यू है, फार्म फैक्टर की है 1.11, उसके से भी कम किसकी वैल्यू है 0.707 हमारा किसकी आरएमएस वैल्यू है, और सबसे कम किसकी होती है हमारी एवरेज वैल्यू होती है। तो यहाँ पर मैं एक बात बहुत अच्छे से लिखा देता हूँ, उसको नोट कर लेना, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हो गए थे तो उस कंफ्यूजन को क्या कर लेना, दूर कर लेना और ध्यान से इनको नोट कर लेना। फिर से मैं यहाँ पे एक बार अच्छे से क्या कर देता हूँ, उनको लिख देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसलिए बहुत ध्यान लगाना है, क्योंकि क्योंकि हम थोड़ा सा भी कंफ्यूजन करते हैं एक से दूसरे में क्या जाता है इंटर कर लाते हैं। तो सबसे पहले हमारी क्या है आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू का मान होता है हमारा 0.707 आईएम या रहेगा 0.707 हमारा वीएम, या इसको ऐसे लिखते हैं आईएम बटे अंडर रूट 2 या लिखेंगे वीएम बटे अंडर रूट 2 ठीक है। या तो ये फार्मूला आएगा तब भी सही है, या वो फार्मूला जाएगा तब भी सही है, दोनों फार्मूले में पता होना चाहिए। फिर आती है हमारी क्या एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू को आई ए बी जी से दर्शाते हैं, और इसका मान होता है 0.637 ही आता है ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारे कौन से मान पड़ा, हमने फार्म फैक्टर ले लेते हैं, फार्म फैक्टर। तो जो हमारा फार्म फैक्टर होता है वो होता है आई आर एम एस ठीक है, आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज। तो आई आर एम एस का मान होता है 0.707 और एवरेज की वैल्यू होती है 0.637। अगर इसको पार्टी के लगभग 1.11 हमें प्राप्त होता है, तो फैक्टर में याद रखना कितना होता है 1.11 होता है। और उसके बाद है हमारा क्या पीक फैक्टर, इसके बाद आता है क्या पीक फैक्टर, पीक फैक्टर को क्रस्ट फैक्टर भी बोलते हैं, या बोलते हैं इसको क्रस्ट फैक्टर, क्रस्ट फैक्टर याद रखना, दोनों नाम याद रखना कंफ्यूज ना हो, पीक फैक्टर बोलते हैं या क्या बोलते हैं क्रस्ट फैक्टर बोलते हैं। पीक फैक्टर है, क्रस्ट फैक्टर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा अधिकतम करंट है, हमारी जो अधिकतम करंट है उसमें आज आर एम एस कर देंगे भाग देंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम आएगा, देखो ये जो फॉर्मूला लिखूंगा ये भी आएगा, या तो आएगा अधिकतम करंट बटे करंट की आर एम एस वैल्यू किसका मान होता है, किसका मान होता है हमारा पीक फैक्टर का क्या होता है मान होता है या क्रस्ट फैक्टर, या फिर इसको हम अगर सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आई एम को रखूंगा मैं आई एम, और आई आर एम एस मतलब मुझे पता है आई एम बटे अंडर रूट 2, आई एम बटे अंडर रूट 2, तो आई एम से आई एम कट जाएगा, अंडर रूट 2 कहां चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, या इसका मान होगा 1.414 ठीक है। तो हमारी चार वैल्यू में पता चल गई, आर एम एस वैल्यू 0.707 होती है ठीक है, हमारी एवरेज वैल्यू 0.636 भी लिख देते हैं कहते हैं, और 7 भी लिखा होता है क्योंकि थर्ड जो अंक है वो 6 है, 5 या 5 से बड़ा होता है तो उसमें क्या कर देते हैं 1 जोड़ देते हैं, तो वो 0.637 है। अगर 6 भी मिल जाए तो वहाँ पे 6 वाला भी क्या होगा ऑप्शन सही होगा। फिर आते हैं हमारा फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर आई आर एस वैल्यू में एवरेज वैल्यू का क्या कर दो भाग दे दो, इतना भी याद कर लोगे तो तुम निकाल लोगे, आर एस वैल्यू तुम्हें पता होगी 0.707 है और हमारी एवरेज वैल्यू 0.637
सेवन है या सिक्स से भी भाग लोगे तो एक दशमलव एक आ जाएगा। और पावर फैक्टर निकालने के लिए आई एम अधिकतम करंट में किसका भाग दे दोगे, करंट की आरएमएस वैल्यू का भाग दे दोगे, तो आई का आई एम का आई एम रखा जाएगा और बटे में आई एम अंडर रूट टू हो जाएगा। आई एम से जो अधिकतम करंट है दोनों में कॉमन तो कट जाएगी, अंडर रूट टू बचेगा, अंडर रूट टू होगा एक दशमलव चार एक चार। तो यहाँ से हमारे ये सिक्वेंस क्या होगी पूरी खत्म। अब कुछ पॉइंट्स बचे तो हम फटाक से डिस्कट कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो क्या हो रहा है लंबा हो रहा है, तो वीडियो को ना थोड़ा हम तेजी से बढ़ाऊंगा, क्यों क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा है, डाटा जा रहा है हम लोगों का, वैसे हम कैसे कैसे बना रहे हैं लोग समझ नहीं सकते, बहुत पापड़ बेलने पर बहुत पापड़ बेल बेल के बना रहे हैं, कैसे कैसे बना रहे हैं तो देख पा रहे। और बीटी जरूर लगा के देखना, एयरफोन लगाना हाँ, लेकिन ये जो क्लास डलनी है बेसिक इलेक्ट्रिकल तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वो हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा, तो वीडियो को तुमने अच्छे से देख लिए। अब आता है हमारे इसके बाद हमारा कुछ चीज़ें रह गई थी, मैं फटाक से कंप्लीट कर देता हूँ। पोटेंशियल ये इसको बोलते हैं विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस इंग्लिश को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है। विभवांतर पहले तल से हम क्या विभवांतर, तो विभवांतर किसको बोलते हैं, तो दो विभव के बीच के अंतर को बोला जाता है क्या विभवांतर। यहां पे लिख लो दो विभव के बीच का अंतर, दो विभव के बीच का अंतर हमारा क्या कहलाता है विभवांतर कहलाता है। अब ये क्या होता है, तो ये क्यों जरूरी है, देखो करंट जो भी बहती है वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही बहती है, अगर कहीं पे भी करंट बहान आ तो वहां पे विभवांतर होना बहुत जरूरी है, अगर विभवांतर नहीं होगा तो करंट बहेगी नहीं, तो हम कैसे समझ लेते हैं, तो मैंने पहले भी समझा था तुम लोगों को, हम ले लेते हैं टंकी का उदाहरण। मान लो हमारे पास दो टंकियां हैं, एक टंकी ये और एक टंकी ये है ठीक है, फिर एक टंकी ये ले लो और एक टंकी ए ले लो, ये सॉरी ये है ए बी मान लेते हैं, एक ए है ए बी, और फिर एक टंकी यहाँ से ले लेते हैं ए और बी। अब क्या करें, ये दोनों टंकी हमारी खाली है, ये भी खाली है और ये भी क्या है खाली है, और एक पाइप डाल दो पानी कहाँ से खाली हो जाएगा, तो भाई साहब इसमें पानी है ही नहीं तो किससे खाली हो जाएगा, इस कंडीशन में कहीं से भी कहीं नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन है ये हमारी क्या है फुल भरी हुई है, और ये भी हमारी क्या हुई है फुल भरी हुई है, और यहाँ पर हमने पाइप डाल दिया, तो दोनों टंकियाँ फुल भरी है, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा कहीं पर भी नहीं जाएगा, ना इस कंडीशन में जाएगा ना इस कंडीशन में जाएगा। अब तीसरी कंडीशन है एक को मैंने कर दिया फुल और एक को कर दिया मैंने क्या खाली, तो और यहाँ पे पाइप डाल दूंगा तो अब पानी कहाँ से कहाँ भी हो जाएगा फुल ए से बी से खाली की ओर जाएगा, और लेवल को बराबर करने की क्या करेगा कोशिश करेगा, तो इसी को बोलते हैं विभवांतर। अगर दोनों विभव सेम है तो करंट का फ्लो नहीं होगा, देखो ये खाली था ये खाली था दोनों सेम थे करंट नहीं बहेगा, ये भी भरी थी फिर सेम हुए फिर भी करंट नहीं बहा, करंट का बहा जब एक भरी हुई है और एक क्या है हमारी खाली है ठीक है। तो तुमने देखा होगा बैटरी में एक प्लस रहता है और एक क्या रहता है माइनस रहता है ठीक है, तो इसका मतलब यही रहता है एक तरफ फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं और एक तरफ फुल इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं खाली रहते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह क्या होने लगते हैं मूव होने लगते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम क्या विभवांतर। तो करंट जो होता है बहता है उसके कारण रहता है विभवांतर के, जब तक विभवांतर नहीं होगा तब तक करंट नहीं होगा, करंट बहाने के लिए ये क्या होनी चाहिए फुल होनी चाहिए प्लस, और एक क्या होनी चाहिए खाली मतलब माइनस होनी चाहिए, अगर मैं प्लस और प्लस कर दूंगा तो करंट बहेगा नहीं, उस टाइप की बैटरी नहीं बन सकती क्योंकि दोनों तरफ क्या हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब दोनों टंकियां क्या भरी हुई है, अगर मैं माइनस माइनस कर दूं तो दोनों तरफ टंकियां क्या खाली होंगे तब भी करंट नहीं रहेगा, तो एक ही स्थिति रहेगी हमारी बैटरी में, एक तरफ प्लस होनी चाहिए और एक तरफ क्या माइनस होनी चाहिए, इसी कारण करंट रहता है, इसलिए बोलते हैं विभवांतर ठीक है। तो करंट को बहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है विभवांतर की, जब विभवांतर नहीं होगा तब करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये हमारा विभवांतर क्या हो गया खत्म हो गया। अब इसके बाद आती है हमारी दूसरी टर्म ई एम एफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एम एफ, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है पूछते हैं बार बार, तो ई एम एफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव पूरा नाम याद रखना है मोटिव फोर्स पूरा नाम याद जरूर होना चाहिए, ई एम एफ का पूरा नाम पूछ लेगा तो ई एम एफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, तो जो न्यूटन थे हमारे उन्होंने पहले नियम में हमको बता दिया, न्यूटन का जो पहला नियम है वो बल के बारे में, कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगाया जाएगा
तो अनंत काल तक वो उसी अवस्था में पड़े रहेंगे जिस अवस्था में वो है। ठीक है, तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? बल की आवश्यकता होती है। अगर हम करंट फ्लो कर भी रहे कहीं पर हमें करंट को बहाना है तो वहां पर भी किसकी आवश्यकता होगी? बल की आवश्यकता होती है। वह बल जो सर्किट में करंट को क्या करेगा, फ्लो करेगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हर एक काम को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे भी हमारा मान लो एक सर्किट है, यहाँ पे हमारा क्या है, सर्किट है। अब सर्किट में क्या बहाना है? करंट बहाना है, करंट को ऐसे रिप्रेजेंट करने वाला होता है। तो एक सर्किट में करंट को बहाने के लिए भी किसकी आवश्यकता होगी? बल की आवश्यकता होगी। और उसी को बल को कहते हैं, कौन सा बल? विद्युत वाहक बल, और इंग्लिश को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बिना इसके करंट रहेगी नहीं, तो हमारे घर में जो भी करंट रह रही है कहीं पे भी, वो किसकी आवश्यकता होगी? वहां पे ईएमएफ की आवश्यकता होगी। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ईएमएफ का पूरा नाम पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरा पता होना चाहिए कार्य क्या है, तो इसका कार्य किसी भी सर्किट पर करंट को क्या करना, बहाना। तीसरी चीज आती है हमारी बोल्ड, तीसरी चीज क्या आती है? बोल्ड, जिसको भी से दर्शाते हैं तो वोल्टेज भी बोलते हो। तो ये हमारी तीसरी चीज है क्या? बोल्ड। तो बोल्ड कुछ नहीं होता, ईएमएफ की इकाई होती है। अगर कोई बोलेंगे बोल्ड क्या है, तो ये क्या है? ईएमएफ की क्या है? इकाई है। ठीक है, विभवांतर, दो विभव के बीच का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर के कारण करंट एक जगह से कहां जाएगी? दूसरी जगह जाएगी। ठीक है, जब तक विभवांतर नहीं होगा करंट नहीं जाएगा। हर काम जो होता है वो विभवांतर के कारण होता है। जब ना ठंडी रहती है, ठंडी लगती है, हम जाके कहां बैठ जाते हैं? आग के पास बैठ जाते हैं। तो आग में क्या होता है? अधिक तापमान रहता है। और हमारे पास क्या रहेगा? हमारे शरीर में क्या रहता है? कम तापमान रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? तापांतर उत्पन्न हो जाता है। जहाँ पे भी तापांतर विभवांतर उत्पन्न होते हैं, अधिक से हमें काम हमेशा कम क्यों हो जाता है? कम क्यों हो जाता है? मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे भी क्या है, हमारे अंदर भी नॉलेज का क्या है, अंतर। अगर तुम भी सेम क्वालिफिकेशन के होते हो, पढ़े होते हो, मैं भी, तो मैं तुमको पढ़ा नहीं पाता। क्यों क्यों नहीं पढ़ा पाता? क्योंकि तुमको भी वो चीजें पता है, मुझको भी पता है। ठीक है, तो हम मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास नॉलेज क्या है, ज्यादा है, तुम्हारे पास क्या है, कम है। हमारे बीच क्या है? अंतर है। उसको मैं क्या कर रहा हूँ? फील कर रहा हूँ। अधिक से कम क्यों हो जा रहा है? कम क्यों हो जा रहा है? तो हमेशा जो करंट रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, अधिक से हमेशा कम की ओर जाएगा, कम क्यों हो जाएगा? तो जब हम ठंडी में बैठते हैं आपके पास, तो आग में होता है अधिक तापमान, हमारे शरीर में होता है कम तापमान। तो आपका जो तापमान रहता है वो हमारे शरीर की ओर क्या होने लगता है? आने लगता है। और हमारे शरीर के ताप को भी अपने लेवल करने की कोशिश करता है। तो हम जब पास में बैठे रहते हैं कुछ देर बाद, जब हमारा शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, हम क्या हो जाते हैं? पीछे हट जाते हैं। पीछे हट जाते हैं, अगर पीछे नहीं बैठेंगे तो हम जल जाएंगे। तो यही है हमारा क्या, तापमान। तो वहां पर तापमान था, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा विमानतर करंट रहता है, जिसके कारण विमानतर के कारण रहता है, ये हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, धारा क्या करता है, सर्किट में बहाता है। और फिर हमारा क्या कहलाएगा, वोल्ट लगेगा। तो वोल्ट क्या होती है? ईएमएफ की इकाई होती है। तो ये हमारे यहाँ से क्या खत्म हो गए, टर्म खत्म हो गए। बस अपना हमारे दो या तीन टॉपिक जो बचे उनको भी जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा रजिस्टर प्रतिरोध, रजिस्टेंस, रजिस्टेंस या प्रतिरोध। तीसरी चीज होती है हमारी क्या, प्रतिरोध। अब आता है हमारा अगला पॉइंट क्या, प्रतिरोध इंग्लिश में बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी मैं तुमको चार फेंक के मारूं, देखो तुम्हारा आंख ऐसे होगी और हाथ ऐसे आगे आ जाते हैं। इसका मतलब है कि मैं तुमको चार मार रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो? उसको पकड़ कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हैं? विरोध, विरोध कर रहे हो। ठीक है, तो हम लोगों में स्वाभाविक गुण रहता है कि हम अपने अंदर परिवर्तन का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। कोई भी आया मैं ऐसा खड़ा हूं, मारने लगेगा, मेरा हाथ ऐसे चल जाएगा, आठ मिनट। ठीक है, मतलब मैं क्या करूंगा, उसका विरोध करूंगा। तो ऐसे ही हमारा जो जितने भी चालक होते हैं, जितने भी हमारे चालक होते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, हमारा एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, सब में एक गुण होता है कि मान लो ये हमारा वायर है, इस वायर में जब मैं करंट को फ्लो करूंगा, इस वायर में क्या करूँ, मैं करंट को फ्लो करूँ, तो ये वायर का एक गुण रहेगा, एक क्वालिटी रहेगी, वो इस करंट का क्या करेगी, विरोध करेगी। यहाँ से हम करंट इसके अंदर डाल रहे हैं, और यहाँ का एक इसका एक गुण है जो बोल रहे हैं, नहीं भाई साहब तुम हमारे अंदर नहीं आ सकते। तो ये जो गुण है कौन सा गुण कहलाता है, प्रतिरोध वाला गुण कहलाता है। ठीक है, यहाँ से करंट डाल रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। जब हम पढ़ाई भी करते हैं तो हमारे अंदर एक गुण होता है जिसके कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाते। हम पढ़ते फिर मन में आता है, यार क्या रखा है, पढ़ाई में सब मुंह आया है, किसका क्या हुआ है, अपना क्या होने वाला है, बड़े बड़े वालों का कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारे शरीर के अंदर क्या है,
रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस प्रतिरोध को बोल रहे हैं। पढ़ लो बेटा जी सब अवस्था में बहुत अच्छा है। क्या करना है तो वो सभी चीजें जो हमें परिवर्तन का क्या करती हैं विरोध करती हैं वो क्या कहलाते हैं प्रतिरोध कहलाते हैं। ऐसे ही हमारा जो वायु रहता है उसके अंदर भी क्या रहता है एक गुण रहता है जो जब हम उसमें धारा प्रवाह करते हैं तो उसका क्या करता है विरोध करता है। तो कोई बोलेगा कि रेजिस्टेंस क्या है तो यह है चालक का गुण है यह चालक का वह गुण है वह गुण है जिसके कारण वह धारा प्रवाह का विरोध करता है वह धारा प्रवाह का विरोध करता है उनका विरोध करता है। तो ये हमारा सिंपल सा हो गया धारा प्रवाह का क्या करेगा विरोध करेगा। जैसे एक वायर में करंट डाले तो इसमें एक गुण रहेगा जब हम धारा डालेंगे तो करंट ऑटोमेटिक क्या हो जाती है हमारी कम हो जाती है। जैसे कॉपर एल्यूमिनियम सिल्वर के बाद डालेंगे तो सिल्वर में करंट बहुत अच्छी प्रवाहित होती है क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है कम होता है। फिर कॉपर में अच्छी प्रवाहित होती है क्योंकि इसका प्रतिरोध इससे थोड़ा ज्यादा रहता है लेकिन इससे क्या रहता है एल्यूमिनियम से कम। और एल्यूमिनियम में इन तीनों में सबसे करंट जो कम है उसमें रहेगी एल्यूमिनियम। अगर हम लोहा लेंगे तो लोहे में और करंट कम रहेगी। ठीक है ऐसे चार स्टूडेंट में चार स्टूडेंटों को एक साथ पढ़ा होगा तो जिसका प्रतिरोध कम है उसको ज्यादा पता चल जाएगा वो ज्यादा जल्दी से कैच कर लेगा ज्यादा जल्दी से सीख लेगा। और जिसका प्रतिरोध ज्यादा है उसको समझ में बहुत देर में आता है या फिर नहीं आता तो ये सब किसका खेल होता है हमारे प्रतिरोधों का खेल होता है। ठीक है तो ये रेजिस्टेंस जो हमारा बात कर चालक में धारा प्रवाह का क्या करता है विरोध करता है। इसके और समय जो दर्शाते हिस्से हैं इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी इकाई क्या होती है इसकी इकाई होती है हमारी क्या ओम होती है। ठीक है और ओम का सिंबल ये है। याद रखना प्रतिरोध क्या होता है प्रतिरोध चालक का एक गुण है। चालक मतलब क्या बोलोगे चालक चालक मतलब हमारे जो करंट फ्लो होता है जैसे कॉपर होता है एल्यूमिनियम होते हैं हमारे सिल्वर होते तो इनका एक गुण है। इस गुण के कारण वो अपने में बहने वाली करंट को क्या कर देती है कम कर देती है उसका विरोध करती है। ठीक है जिसका प्रतिरोध कम रहेगा उसमें करंट क्या रहेगी ज्यादा रहेगी जिसका प्रतिरोध ज्यादा रहेगा करंट क्या रहेगी कम रहेगी। और इसको दर्शाते हैं आर से उसकी इकाई क्या है ओम ओम को रिप्रेजेंट इससे करते हैं। अब हमारा आता है वो रेजिस्टेंस के नियम रेजिस्टेंस के नियम यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले जो हमारा रेजिस्टेंस होता है